नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में कोरोना विस्फोट, एक ही दिन में 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से रिपोर्ट आने के बाद सभी किए जा रहे हैं आइसोलेट। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 30, 9 हो चुके हैं ठीक, एक की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 20। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित व्यक्तियों को गांव के कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पलनी, महाराजगंज और जहानागंज सहित अन्य ब्लॉक के गांवों के साथ व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। सदर के 2 मरीज। जनपद में जो प्रवासी श्रमिक काफी संख्या में है, उनमें से प्रतिदिन हम लोग लगभग 90 से 100 सैंपल, जिनमें कुछ भी लक्षण होता है या लक्षण अगर नहीं पाया जाता है कुछ रैंडम सैंपलिंग करके भेजते हैं ताकि हमें पता चलता रहे और कोई अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसका इलाज उपचार हो सके। आज 163 सैंपल में से, जो कल 113 सैंपल निगेटिव आए थे, उसके अलावा जो सैंपल बचे थे उनमें से शेष नेगेटिव हो करके और 15 पॉजिटिव आज आए हैं। उनको सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। इसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो जियापुर दक्षिणी जो कंटेनमेंट किया गया था उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो 45 सैंपल गए थे उसमें से 3 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था पहले ही, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। साथ ही जो एक दुखद मृत्यु हुई थी नेतपुर की, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के 9 लोगों का सैंपल भेजा गया था, उसमें से 2 पॉजिटिव सैंपल आए हैं। एक सैंपल हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर का है पॉजिटिव, और एक मेडिकल कॉलेज के इलाज की टीम में जो लोग हैं उनमें से एक लैब टेक्नीशियन का है जो ऑलरेडी पैसिव क्वारंटाइन 15 दिन का जो होता है एक हफ्ते के उपचार की प्रक्रिया करने के बाद उसमें वो ऑलरेडी हैं। शेष 6 लोग ऐसे हैं जो मुंबई से आए थे लेकिन वो अपने गांव नहीं गए और सीधे वो डॉक्टरों ने उनको शेल्टर होम पर या रोडवेज पर जांच के बाद सीधे हॉस्पिटल फैसिलिटी क्वारंटाइन भेज दिया था और उनका सैंपल चला गया था। उनमें से जो पॉजिटिव आए हैं वो लोग हैं, इसलिए उनके गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो गांव गए ही नहीं, उनको शेल्टर होम या रोडवेज या रेलवे स्टेशन से ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया गया था। शेष 2 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नरेठा कनेला के हैं जो गांव चले गए थे। यद्यपि वो कह रहे हैं कि मैं गांव के बाहर एक कमरे में रहता हूं, लेकिन उनके एक भाई जो साथी मुंबई से आए थे वो गांव में रहते हैं, इसलिए उस गांव को कंटेनमेंट जोन करके उनके डायरेक्ट ट्रेसिंग करके सैंपलिंग की जा रही है। और एक व्यक्ति और हैं जो हरदशई रामपुर के, वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन नहीं थे लेकिन उनको उनके घर वालों ने शेल्टर होम से सीधे गांव से दूर एक ट्यूबवेल के कमरे में रोक रखा था और उनके पिता सिर्फ दूर से उनको भोजन देते थे। प्रथम दृष्टया वेरीफाई हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल उसको कंटेनमेंट जोन ना बना के उनके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में 1-2 लोग हैं उनके सैंपल किया जा रहा है और डिटेल उसकी हिस्ट्री पता की जा रही है। इस प्रकार आज जो ऑलरेडी हमारे 2 कंटेनमेंट जोन हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के पॉजिटिव आए हैं जो हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग किया था, और 8 ऐसे गांवों से अलग अलग लोग जो मुंबई से आए थे उनमें से 6 जो सीधे हॉस्पिटल क्वारंटाइन थे और 1 जो गाँव में ना जा करके गाँव के बाहर ट्यूबवेल पर क्वारंटाइन थे, सेल्फ क्वारंटाइन थे, और 1 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में
उनके डायरेक्ट जो साथ आए थे, एक सज्जन गांव में थे, इस तरह के लगभग 15 प्रकरण आए हैं। और इसमें विस्तार से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और सुबह से मैंने भी प्रत्येक पेशेंट से बात किया है, उनको मनोबल बढ़ाया है, गांव के लोगों से भी बात किया है कि ताकि सावधानी बरतने की आवश्यकता है, दहशत की आवश्यकता नहीं है। और जनपदवासियों से भी मेरा आग्रह है कि ये ट्रांसमिशन ना बढ़े, इसके लिए अधिक से अधिक लक्षण वालों की 100% सैम्पलिंग और शेष जो बाहर से आ रहे हैं उनका कुछ 1% रैंडम सैम्पलिंग करा के ज़रूरी है जानना, ताकि कोई हिडन वायरस ना हो। और इसलिए संख्या से न घबराएं, बल्कि कोशिश करें कि जो भी बाहर से आया है उससे परहेज रखें, थोड़ी सावधानी रखें, उससे फिजिकल डिस्टेंस रखें, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं, उससे दूरी, भौतिक दूरी बना के रखें, और उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। और अगर लक्षण पाया जाता है तो सैम्पलिंग के लिए फ़ोन करें, लक्षण देखते ही फ़ोन करें, ताकि एक जन सहभागिता से हम इस पर नियंत्रण कर सकें।